हाय गाइस, वेलकम बैक टू द मैन इन वन चैनल। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे और बहुत एक्साइटेड होंगे इस वीडियो के लिए, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। एलेक्सा बहुत ही ज़्यादा हाइप्ड हो रखा है हमारी कम्युनिटी में, एंड आई एम वेरी एक्साइटेड टू अनबॉक्स इट एंड डू द फर्स्ट इंप्रेशंस। सो कीप वॉचिंग, आई विल बी बैक। वेलकम बैक गाइज। अब देखिए, जो पार्सल है इसमें मैंने पार्शियल एलेक्सा मंगाया है रिटेल पैक, और मैंने उन्हें बोला था कि वैलेंटिनो ओमो का जो बॉक्स पेंडिंग है वो भी भेज देना। यू कैन सी द वीडियो हियर, मैंने एक अनबॉक्सिंग किया था, इसमें वैलेंटिनो ओमो का बॉक्स नहीं आया था। एंड आई ऑल्सो टोल्ड देम टू सेंड मी बंच ऑफ अदर ऑल्टरनेटिव सैम्पल्स सो दैट आई कैन रिव्यू देम ऑल। तो चलिए, विदाउट एनी फर्दर डिले, लेट्स गेट टू द अनबॉक्सिंग। अब देखिए, इस अनबॉक्सिंग को लेकर मैं बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड हूँ, क्योंकि प्रोजेक्ट ऑल्टरनेटिव का स्टार्ट ही एलेक्सा से हुआ है, और एलेक्सा है क्रीड एवेंटस का इंस्पिरेशन या क्लोन, और बहुत हाइप हो रखा है हमारे कम्युनिटी में, फ्रेग्रेंस कम्युनिटी में, और मैं बहुत एक्साइटेड हूँ इसे अनबॉक्सिंग करने के लिए, और इसका फर्स्ट इंप्रेशन भी ऑफ कोर्स हम इस वीडियो में करेंगे। अब देखिए, अगर आप बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हैं कि मैं एलेक्सा का अनबॉक्सिंग करूँगा, तो एलेक्सा का अनबॉक्सिंग मैं करूँगा, बट वो रिटेल पैक तो है बट पार्शियल है, तो मतलब उसका सील खुला हुआ होगा, बट आई विल डू द फर्स्ट इंप्रेशन, सो लेट्स सी हाउ इट इज़। आई होप कि इसमें वैलेंटिनो ओमो का बॉक्स भी हो, क्योंकि लॉन्ग ड्यू है, वो काफ़ी टाइम से पेंडिंग है। यस, सो फर्स्ट थिंग आई सी दैट इज़ नॉट रैप्ड इन द बबल इज वैलेंटिनो ओमो इंटेंस का बॉक्स। सो माई फाइनली वैलेंटिनो ओमो इंटेंस हैज अ होम। अब इसको साइड में रखते हैं हम लोग। नाउ लेट्स गेट स्टेट इन द पैकेज। तो पैकेजिंग काफ़ी अच्छी करके दी है। आई सी जी एलेक्सा, आई डोंट सी दी सैम्पल्स, आई होप इसके अंदर हों, बिकॉज अदरवाइज डब्बे के अंदर और कुछ नहीं है। नाउ माई एक्साइटमेंट लेवल इज इंक्रीजिंग अलॉट। अब बबल रिमूव करते हैं। यस, देर आर थ्री सैम्पल्स। ओके, सो देर आर थ्री सैम्पल्स। वन इज अल्ट्राजेस्ट का आवर ऑल्टरनेटिव यूजी वन, वन इज वर्जिन आइलैंड, एंड वन इज कैंडी सिस्टर। अब इसे हम लोग रखते हैं साइड पे और हम मेन फोकस करते हैं एलेक्सा के ऊपर। सो लेट्स अनबॉक्स इट। वेरी एक्साइटेड। सो हियर इट इज। ओके, सो द बॉटल इज वेरी नाइस, वेरी हैवी। आई एक्सपेक्टेड द बॉटल टू लुक लिटिल बिगर, हाथ में आने से थोड़ा सा छोटा लग रहा है, एंड आई एम वेरी इम्प्रेस्ड विद द बॉटल। कैप, कैप में बिल्कुल भी वेट नहीं है, ये वुडन इसमें पैटर्न है, आई एम नॉट श्योर कि ये कम्प्लीट वुड है या नहीं, क्योंकि बहुत लाइट है ये कैप, एंड आई एम नॉट श्योर इफ इट स्टिक्स टू द प्लेस। फॉर्चुनेटली इट डज, बट स्टिल आई वुड नॉट रिकमेंड यू टू पिक इट अप विद द कैप, क्योंकि स्लिप होने का चांसेस है। एंड दैट इज हाउ द बॉटल लुक्स। बॉटल का प्रिंट एंड ग्राफिक्स बहुत ही हाई क्वालिटी है, एंड इट लुक्स वेरी नाइस। सो दैट इज हाउ the bottle looks. It has the alternative, project alternative, Alexa, and it is the logo, eagle with guns, and it looks very nice. So now let's see the package. Okay, so the packaging is very nice. It is made in UAE, and ingredients, the packaging is nice, silver on the back side, and it's pattern blackish grayish color with silver printing, and अंदर से काफ़ी अच्छा है। इट हैज़ वेलवेट टच टू इट, और पूरा एलेक्सा का इसमें रखने का पूरा शेप है। अब हम बॉक्स को और बबल रैप को साइड में रखते हैं। नाउ लेट्स फोकस ऑन दी बॉटल एंड द जूस। तो चलिए, बाकी सब कुछ मैं साइड पर रख देता हूँ। सो नाउ बिफोर आई स्प्रे दिस, आई वुड लाइक टू टेल यू कि आई डोंट ओन दी क्रीड एवेंटस बॉटल। मैंने ट्राई किया हुआ है, आई हैव यूज इट इन द पास्ट, डेकेंड भी था मेरे पास, बट बहुत ही छोटा था। आई हैव यूज इट एंड हैव ट्राइड इट मल्टीपल टाइम्स, बट अनफॉर्चुनेटली आई डोंट ओन दी बॉटल। तो आई विल जज इट ऑन माई एक्सपीरियंस विद दी एलेक्सा। आई एम नॉट श्योर कि मैंने जो बैचेस ट्राई किए हैं वो फ्रूटी बैचेस थे या स्मोकी बैचेस थे। आई विल टेल यू हाउ दिस स्मेल्स एंड हाउ इट कंपेयर्स टू द ओरिजिनल क्रीड एवेंटस। सो लेट्स स्टार्ट विद द स्प्रे। Okay, when I smell the cap, it smells very smoky. I hope the juice is not smoky like Club de Nou Intense, because when I sniff the cap,
it smells more like Club de Nuit Intense than Creed Aventus. Now let's spray the juice without any further delay. Okay, there is nothing. Okay, the spray is nice. It sprays a lot. Okay, I get more lemon than pineapple. It definitely has similarities with Creed Aventus, but in the opening it's not very 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 extremely close, but definitely it has the Aventus vibe. The more it settles, the more notes are coming up. Now I smell more fruits. I can detect lemon that I have already told you. Apples. I detect very very little pineapple. Maybe it is because I'm smelling the initial spray. But to me in the opening, my final words are, it has the Aventus vibe, but in the opening it's not very close to the Creed Aventus. I'll tell you how. क्योंकि क्रीड एवेंटस ओपनिंग में ना बहुत ज्यादा फ्रूटी पाइनएप्पल और स्वीट है. ये मुझे क्रीड एवेंटस की तरह बहुत ज्यादा पाइनएप्पल और स्वीट तो नहीं लग रहा, बिकॉज इसमें लेमन नोट मुझे बहुत हाई लग रहा है. सो इसे 5 मिनट के लिए ड्राई डाउन होने देते हैं एंड आई विल बी बैक एंड विल डिस्कस कि ये कितना डेवलप हुआ. सो कीप वॉचिंग. हाय गाइज, इसे 5 मिनट का टाइम दिया था और इसे 5 मिनट हो चुके हैं. नाउ लेट मी स्मेल इट और मैं आपको बताता हूँ ये कैसे स्मेल कर रहा है. ओके, सो नाउ इट्स गेटिंग क्लोजर टू क्रीड एवेंटस. अब देखिए, जो मैंने फर्स्ट स्प्रे किया था एंड व्हेन आई ट्राइड इट, तो बहुत ही ज्यादा ब्राइट और बहुत ही ज्यादा फ्रूटी था. बट अब ये थोड़ा सा डार्कनेस इसमें ऐड हो रहा है. आई थिंक इसमें मस्क ऐड हो रहा है और वुडी नोट्स ऐड हो रहे हैं. इसमें थोड़ा डार्कनेस भी आ रहा है, आई गेस वो बर्ड्स की वजह से आ रहा है. एंड नाउ इट इज स्मेलिंग फार बेटर देन द ओपनिंग. हालांकि इसे 5 मिनट ही हुए हैं, बट 5 मिनट में थोड़ा जो चेंज हुआ है एंड दैट इज अ पॉजिटिव चेंज, क्योंकि अब ये क्रीड एवेंटस की तरफ ज्यादा जा रहा है, बिकॉज ओपनिंग में बहुत ज्यादा क्रीड एवेंटस से सिमिलर नहीं था ये. ओके, सो नाउ आई लाइक इट मोर आफ्टर 5 मिनट्स टू बी ऑनेस्ट. अब देखिए, जो मेरा फाइनल वर्डिक्ट है इसका फर्स्ट 5 मिनट इंप्रेशन, कि ये अगर इनिशियल स्प्रे के 1 मिनट के अंदर तो ये क्रीड एवेंटस की तरह वाइब देता है, बट क्रीड एवेंटस की तरह फ्रूटी, पाइनएप्पल फ्रूटी एंड स्वीट नहीं है. थोड़ा लेस स्वीट था और मोर ऑन दी लेमन नोट था, बट आज 5 मिनट हैज गॉन, ये क्रीड एवेंटस से काफी क्लोज होने लगा है एंड थोड़ा उसकी तरह डार्क भी होने लगा है. आई डोंट थिंक इट हैज ऑल द डेप्थ ऑफ क्रीड एवेंटस, बट डेफिनेटली इट इज गेटिंग क्लोजर टू क्रीड एवेंटस. तो आई एम वेरी हैप्पी विद दिस परचेज एंड यू गाइज कैन डेफिनेटली गो एंड बाय दिस. एंड मैं नेक्स्ट वीडियो में इसका कंप्लीट रिव्यू दूंगा, जहां पे मैं इसका लॉन्जेविटी और प्रोजेक्शन डिस्कस करूंगा और आपको बताऊंगा ये इंडोर्स में और डायरेक्ट सनलाइट में कैसे काम करता है और कितना इंप्रेस इसने मुझे किया है. अब इनिशियल इंप्रेशन में तो आई एम वेरी इंप्रेस्ड कि ये ओपनिंग में थोड़ा अलग था, बट देन इट स्टार्टेड टू गोइंग टुवर्ड्स द क्रीड एवेंटस. नाउ लेट्स सी हाउ इट स्कोर्स इन माय फुल रिव्यू. तो आज का वीडियो इतना ही इसके बारे में. सो आई शैल सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो, बट बिफोर दैट डोंट फॉरगेट टू फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम. अब देखिए, मैंने रिसेंटली ये फ्रेग्रेंस ट्राई किया है, डिओड्रेंट सेट वेट चिलावता. अब ये मुझे फर्स्ट स्प्रे में ही पता चल गया कि इट स्मेल्स लाइक अ परफ्यूम दैट आई हैव, और बहुत ही पॉपुलर फ्रेग्रेंस की तरह सिमिलर स्मेल करता है ये. अब इसके बारे में मैं आपको बताऊंगा इंस्टाग्राम पे. सो डोंट फॉरगेट टू फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम. आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा एंड यू कैन ऑल्सो सी द नेम डिस्प्लेइंग ओवर हियर. तो आज का वीडियो यहीं खत्म करते हैं. अगर आपने वीडियो यहाँ तक देख ही लिया है तो प्लीज गिव इट अ बिग थम्स अप एंड सब्सक्राइब टू द चैनल एंड घंटी का आइकन दबाइए सो दैट यू गेट ऑल द नोटिफिकेशंस. थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग. जय हिंद, बाय बाय.